हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्टूडेंट क्लब में आज पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले साल लगातार परीक्षाओं में पिछले कई सालों में लगातार पूछे गए हैं। तो पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कौन सा माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहले देख लीजिए कि कौन कौन से कथन आर्यों के बारे में सटीक हैं। तो संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी करते थे और कई झुंडों में भारत पहुँचे, क्योंकि ये भी आ सकता है। फिर कौन सा कथन सही नहीं है कि वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। बाकी संस्कृत बोलना था, घुड़सवारी करना और कई झुंडों में भारत पहुँचना, ये आर्यों के बारे में सटीक है। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक का नाम क्या है? तो श्रमण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या था? शुल्व सूत्र था। ये शुल्व सूत्र जो था वो ज्यामिति पर आधारित था। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम विधि निर्माता जो भारतीय इतिहास के हैं, मनु हैं। प्राचीन काल में भारत में न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने किया। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी यानी प्रभाव में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल से ही अछूत की जो अवधारणा थी वो आई थी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। तो ये सारे प्रश्न वही हैं जो पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं बार बार। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से बना रही हूँ ये वीडियोज़, मैं प्लीज़ शेयर करके मेरी मेहनत को सकारत कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट।